नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान जिले के जीरादेई स्थित महेंद्र उच्च विद्यालय में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार केदार पांडे के पक्ष में शिक्षक गोलबंद हुए। शिक्षकों ने कहा कि श्री पांडे के कार्य से ही शिक्षकों को सरकार से हर सुविधा मिली है और आगे मिलेगी। जीरादेई से अंकित कुमार सिंह की रिपोर्ट। की आवाज सदन से लेकर के सड़क तक उठाते रहते हैं और शिक्षकों के संघर्ष के साथी हैं। अब फिर भी कहा जाता है कि शिक्षकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इस पर क्या? हम खुद एक नियोजित शिक्षक हैं। हमने जब 2006 में सेवा अपनी प्रारंभ की थी तो 6000 से हम लोग वेतन शुरू किए थे और साल में दो बार मिलता था, और एक फरवरी में एक अगस्त महीने में। लेकिन आज हमारी स्थिति है, ईपीएफ कट रहा है, सारे फंड मिल रहे हैं, इसके अलावा हमको आज 31,000 रुपया तनख्वाह पहुंचा है। तो यह आप देख रहे हैं कि निश्चय ही हमारा इसमें प्रोग्रेस हुआ है। 6000 से आज हम 31,000 तक पहुंचे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार फिर अगर जीत के आते हैं पांडे जी, तो ये जो शिक्षकों की मांग है समान वेतन, ये सफल हो पाएगा? एकदम सफल हो जाएगा। और हर बार शिक्षक संघ जब भी आंदोलन किया है तो सफलता उसको मिली है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। और हमारे जो भी मांग शेष है वो आने वाले दिनों में हमको जरूर मिलेगी। आइए आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए, और MLC हैं, शिक्षकों की आवाज भी जोर शोर से उड़ाते हैं, इस बार क्या नया रहेगा आपके चुनाव? सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या 3 विधान परिषद का चुनाव 22 अक्टूबर को निर्धारित है आयोग के द्वारा। और अभी हमारा जो विजन है, नए शिक्षकों को जो इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं उनको पूरा कराना, वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान और साथ ही घाटा अनुदान की परिकल्पना को पूरा करना, मदरसा महाविद्यालय या अन्य अनुदानित महाविद्यालयों में जो भी आर्थिक कठिनाई हो उसे दूर करने का हम लोग संकल्प लिए हैं। यह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का एक विजन है और हमारे प्रतिनिधि श्री केदारनाथ पांडे ने संकल्प लिया है इन सारी समस्याओं का समाधान हम शीघ्र करेंगे। संकल्प कब तक चलता है? सरकार से आप कब दुबल होंगे? संगठन या हमारे प्रतिनिधि श्री केदारनाथ पांडे सरकार नहीं होते हैं। हमारा काम है हर चीज को उजागर करना और सरकार के सामने बखूबी उसको रखना। काफी समय से पांडे जी रहे हैं इस पद पर, ये मैंने कौन सी ऐसी मुद्दा है या फिर कौन सा ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हुआ जिसका मलाल है आपको? हमको मलाल है नियोजित शिक्षकों का, जो लेवल 7 और लेवल 8 साथ ही सेवा शर्त में इनकी ये MSCP के मांग जो 10 साल 20 साल 30 साल पर इनका प्रमोशन पुराने साथियों के समान इनको भी मिलना चाहिए, और अन्य सुविधाएं जो पुराने शिक्षकों को मिलती थी हमारे नए साथियों को भी मिलना चाहिए, यह मेरा संकल्प। 1000 से लेकर आज 30,000-32,000 पर हम पहुंचे हैं। कोई सेवा शर्त नहीं थी, सेवा शर्त का हम लोग ये निर्माण कराए हैं, सेवा शर्त बना है और आगे की लड़ाई हमारी जारी रहे। नाम बताइए। नागेंद्र नाथ पाठक, अध्यक्ष जिला माध्यमिक शिक्षक संघ सिवान।